चंडीगढ़ हाई प्रोफाइल छेड़छाड़ मामले में जहां पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरे हुए है, इस मामले में सत्ता पक्ष से केवल मुख्यमंत्री ही अपनी प्रतिक्रिया दे पाए हैं। छेड़छाड़ मामले में विपक्ष जहां लगातार सत्ता पक्ष के लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के मंत्री इस मामले में मौन बने हुए हैं। सूबे के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भी इस मामले पर किए गए सवाल पर बिल्कुल मौन हो गए। इतना ही नहीं, मंत्री जी कुछ देर तक तो मौन रहे, फिर चलते बने। दरअसल शुक्रवार को मंत्री जी अपने हल्का बादली के कई गांव में सड़कों का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री जी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। इस मौके पर जब मंत्री जी से विकास बराला मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो मंत्री जी मौन हो गए। इसके बाद पूछा गया कि चर्चाएं हैं कि ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस सवाल पर मंत्री जी कुछ देर तो मौन रहे, फिर मंत्री जी चलते बने। मंत्री जी यहां तो केवल राजनीतिक सवालों पर मौन होते दिखाई दिए, लेकिन जिस गांव में मंत्री जी सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे थे तो ग्रामीणों ने उसी सड़क के निर्माण पर सवाल खड़े कर दिए। वहां भी मंत्री जी मौन की भूमिका में नजर आए। दरअसल मंत्री जी गांव लुहारी में लुहारी से नूरगढ़ तक बनी सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सड़क में लगाई गई सामग्री ही चीख चीख कर ये बयां कर रही थी कि सड़क के निर्माण में धांधली की गई है। करोड़ों की लागत से बनी सड़क में अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। मंत्री जी जल्दबाजी में उस खराब सड़क का ही उद्घाटन करते चले बने। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मंत्री जी के समक्ष ना रखी हो, लेकिन मंत्री जी ने ये कहकर लोगों को शांत कराया कि इसे बाद में अच्छे से बनवाएंगे। इसका उद्घाटन करने आएंगे, कैसा बन रहा है, कैसा है? बनने से पहले ही टूट गया। हाँ। अब उद्घाटन करने के लिए मंत्री जी आ रहे हैं, ये टूटा पड़े है, मैंने निशान लगाया इसका चूना का। कहाँ से कहाँ तक बनाया ये? यहाँ से लुहारी से नूरगढ़ तक। और आगे पता नहीं क्या हालत होगी, ये तो गांव के नजदीक है। कितने दिन में तैयार कर दिया इसको? दिन तो लगे होंगे साहब इसको, करीब 3 महीने। मसाला कैसे लगा इसमें? अभी तो हमने कोई ध्यान नहीं दिया, दिख रहा होगा ना। अभी तो हमने पूरा घटिया माल दिखाई दे, 1% बढ़िया ना बना। और सारा तो है, ये तो काली रापस नहीं होती, लग रहा है ऐसे आगे बजाए तार खोल के रापस गिरी। और आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा ऐसा कुछ। मंत्री शिकायत करोगे इसकी? बिल्कुल कहेंगे जी। जी बताओ, आप बताओ। ये पुड़िया बिल्कुल सारे टूटे हुए हैं जी, इनका कोई मसाला ठीक नहीं लगा, गल की गल फट रहे। रोड जो बनाया है? हाँ जी, इस पे वो जो बिल्डोजर तो घूमे ही नहीं है, बिल्कुल वैसे ही ऊपर से रापस फैला दी। और वो बस। आपका क्या नाम है? सतगिर। बताओ इसके बाद रोड के बाद? वो तो गल गल फुटर लग रहे थे, बिल्कुल इनमान बेकार सब। तो कैसा काम किया? बेकार काम किया बिल्कुल, काम सही ना हो रहे, बेकार हो रहे। जब देखो ये गांव वाला की कमीज है, पंच सरपंच मौजूद आदमी कहीं रोक ना लगाई, माल तो सरासर सब ने बेरोजगार है, गंदो लगा रखे उसे साथ के साथ कुछ टड़ा कर रही हो ना, तो खाली प्रेस घुमा दी। मुझे चीफ इंजीनियर ने बताया कि बारिश के दिनों के कारण बीच में कुछ काम रोका है, बारिश में ऊपर की बैटिंग नहीं होती, बारिश के बाद उसकी और मीटिंग करेंगे। विकास बरालों के मामले को लेकर विपक्ष जो है अभी भी लगातार खींच रहा है इस मामले को। एक आपकी सवाल मंत्री जी, अध्यक्ष पद के लिए भी आपकी चर्चा आ रही है कि प्रदेश को हम बदल कर पानी अच्छा नहीं आ रहा ना, बिजली दे रहा हम टाइम पे। अच्छा हां, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम में सड़क को उखाड़ कर दिखा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाली सरकार के मंत्री आखिर क्यों जल्दबाजी में ही खराब सड़क का निर्माण करके चले गए, जबकि होना ये चाहिए था कि मंत्री जी ने मौके पर ही विभाग के अधिकारियों से सड़क निर्माण में हुई धांधली और लगाई गई खराब सामग्री के बारे में जवाब तलब करना चाहिए था।